Hello everyone, today in this video I am going to solve example 8.17. So this example says x is a binomial distribution with parameter np, that is it follows binomial distribution with parameter n and p. What is the distribution of y is equals to n minus x? अब हमको y is equals to n minus x का distribution बताना है. ओके, तो उसके बहुत सारे मेथड हैं आप इसको निकालने के. सो जैसा कि देखिए बुक में गिवन है कि आपको पता होता है कि हमारे पास अगर कोई भी हम एन ट्रायल्स कर रहे हैं उसमें से एक्स हमारे फेवरेबल है, मतलब कि अगर जैसे हमने 10 times एक डाइस को छाला और उसमें से 5 times जो है वो हमें इवन नंबर मिल गए, या फिर हमको जो नंबर 1 था वो हमें 5 times मिला, तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है मतलब सक्सेस, मतलब 5 हमें सक्सेस मिली. तो यहाँ पे देखिए n जो टोटल ट्रायल्स हैं हमारे उनमें से x माइनस हो रहा है, दैट मीन्स n जो हमने 10 times उस डाइस को थ्रो किया था तो थ्रो किया टोटल माइनस कितना हुआ कि हमें 5 times क्या मिल जाए, 1 मिल जाए. ठीक है, तो आपने जो टोटल वैल्यू थी उसमें से सक्सेस को माइनस किया, दैट इज y इज इक्वल टू आपका y क्या हो जाएगा, y है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. ठीक है, तो मतलब ये फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है y, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी q, q से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहां से आप इसको क्या कह सकते हैं कि जो y डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, इसका y का क्या होगा, y आपका फॉलो करेगा बाइनोमियल n होगा, बट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी q. यहाँ से एक तरीका ये हो गया. अब इसका दूसरा तरीका भी गिवन है आपकी बुक में पेज नंबर 8.16 पे, और वो देखिए ये गिवन है, अगर x आपका फॉलो करता है बाइनोमियल np को तो आपको पता है mxt मतलब कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन e^tx होता है. और अगर आपने इसकी प्रूविंग आपको अभी नहीं आती है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग वहां से चेक करके उसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन देख लीजिएगा मैंने कैसे फाइंड आउट किया है. सो यहां से मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, उसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है q+p e^t^n. ओके, सो यहां से मैंने इसका लिख लिया है. अब देखिए ये तो x का है बट हमें y का चाहिए है ना, क्योंकि हमें y का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो इसके लिए हम m y t यहाँ पे प्लेस करेंगे. अब m y का मतलब क्या है, y का मतलब है n माइनस x और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा. अब इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो वैल्यू है तो ये ऐसे ही तो आती है, एक्सपेक्टेशन देखिए यहाँ पे e^t (x) था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e^t (x). अब x की जगह पे क्या है, n माइनस वाई है, तो n माइनस वाई होने की वजह से देखिए क्या होता है, यहाँ पे t(n) जो है वो क्या है हमारा, उसको बाहर निकाल सकते हैं. तो यहां से जब हम इसको बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा e^nt, देन एक्सपेक्टेशन हमारा क्या बचेगा, एक्सपेक्टेशन e^-tx, तो हमारे पास ये वैल्यू बची, ये एज अ कांस्टेंट, क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेशन है वो वेरिएबल पे ही ऑपरेट होता है और वेरिएबल को हमने अंदर ले लिया है. सो इसके बाद e^nt हमारा यही रहेगा. अब यहां से क्या हम इसको कंपेयर करके यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं mgf का? सो यस, हम लोग लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा q+p e^2 कितना हो जाएगा, e^t हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस होता था, बट यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे -t ले लिया, एंड होल^2 हमने क्या लिया, n ले लिया. अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पार n है, यहाँ पे भी पार n है, अगर हम होल पे पावर n ले लें और e^t को हम अंदर भेज दें तो ये e^t(q) हो जाएगा +p e^t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होल^n. तो देखिए ये कुछ रिवर्स फॉर्म में हो गया, p+q e^t(n). अब अगर आप यहां से कंपेयर करके देखें इसको तो देखिए जो mxt होता था वो q+p e^t(n) होता था, बट अगर हम y का देखें तो यहाँ पे देखिए q की प्लेस और p की प्लेस चेंज हो गई है. तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा y है वो फॉलो करता है बाइनोमियल n, n तो अपनी जगह रहेगा,
बट यहां से देखिए हम क्या लेते थे, पी होता था, दैट मीन्स ई की साथ जो मल्टीप्लीकेशन में होता था तो वही होता है यहाँ पे एन पी, बट यहाँ पे ई के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है, वो है क्यू, तो एन कॉमा क्यू हो जाएगा। तो बस यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई है कि आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड ये आपका सेकेंड मेथड है, ऐसे भी आप इसको सॉल्व करते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। एंड मैंने जैसा कि बताया आपको, मैंने इंस्टा अकाउंट क्रिएट किया है तो उस पर मैं बहुत सारे ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज और बहुत कुछ आगे सेंड करूंगी। तो अगर आप लोग को मुझे फॉलो करना है तो आप लोग मुझे इंस्टा अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। एंड जो इंस्टा अकाउंट का मेरा नेम है वो है ISS स्टडी। सो आप ये जब सर्च करेंगे तो मेरा अकाउंट आपको शो हो जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।